हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.4। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखी है, इनके अंदर कुछ ना कुछ एरर, वो एरर हमें फाइंड करके उसे करेक्ट करना है। देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ एरर, वो एरर ही हमें बताना है क्या गलती है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया, 3x अपॉन 3x + 2। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसमें से कुछ कॉमन आके, नीचे से कॉमन आए कुछ, अगर कट रहा होता तो मैं काट देता, ठीक है। अगर इसमें डिवाइड जा रहा होता, सेम नंबर होते तो मैं डिवाइड दे देता। बट ऊपर जो नंबर है और नीचे नंबर है, दोनों डिफरेंट वन नंबर हैं, ठीक है। आप कहीं समझदार ये सोच रहे होंगे कि 3x को 3x से काट दें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर ये वहीं मल्टीप्लाई का सीन होता, जैसे कि 3x * 2 होता, तब तो मैं 3x से 3x काट देता, आंसर आ जाता 1/2। अगर मल्टीप्लाई का सीन होता तो, लेकिन यह प्लस का है, अगर प्लस या माइनस आ जाए तो हम इसको इस तरीके से काट नहीं सकते। हाँ, अगर मल्टीप्लाई में होती दोनों टर्म तो कट जाती, आंसर हमारा 1/2 ही होता, तब तो ये करेक्ट था अगर मल्टीप्लाई का साइन होता। बट प्लस का साइन है तो इसलिए हम इसके अंदर इसका डिवाइड, मतलब सेम नंबर नहीं है तो ये इससे कट नहीं सकता, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, सेम 3x / 2। यही हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होगा, ना कट रहा है, ना डिवाइड जा रहा है, ना कुछ कॉमन आ रहा, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अगला पार्ट है, सेम इसी कंसेप्ट पे भी डिपेंड है, इसके ऊपर भी ये लॉजिक है। अगर नीचे प्लस की जगह होता मल्टीप्लाई का सीन इस तरीके से, ठीक है, यानी ऊपर कुछ नहीं बनवा ले तो 3 से 3 कट जाता, मेरा आंसर कितना आ जाता 1/4x, तब तो ये ठीक था अगर मल्टीप्लाई का सीन होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इस वजह से इससे कैंसिल भी नहीं हो सकता, सेम नंबर भी नहीं है तो मैं इससे काट दूँ, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में भी हम सेम टू सेम इसी तरीके से लिखेंगे, सेम नंबर यही आ जाएगा, यही हमारी क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता ये, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। देखो, हमें दे रखा है 4x + 5/4x है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया 4x + 5/4x। तो देखो, 4x जो है वो इन दोनों के नीचे है, तो मैं इसको इन दोनों के नीचे अलग अलग कर सकता हूँ, 5/4x। 4x में 4x का डिवाइड देंगे, 4 × 1 = 4, कितना है 5/4x, ठीक है। इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो, इन्होंने जो आंसर दे रखा ना, वो मल्टीप्लाई के हिसाब से दे रखा है। अगर यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो ऐसे कट जाता, आंसर कितना आया था 5। लेकिन ये मल्टीप्लाई के केस में होता, प्लस के केस में होगा तो हम इसको स्प्लिट ही भले ही कर सकते हैं। लेकिन स्प्लिट भी कब कर सकते हैं, जब न्यूमिनेटर में हमारा प्लस आ रखा हो, तब तो दोनों दोनों अलग हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में इसका प्लस आ जाए तो इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। कई सोच रहे होंगे कि इसको भी दो अलग अलग कर सकते हैं, नहीं, अगर डिनोमिनेटर में प्लस आ जाता है तो इसको अलग नहीं किया जा सकता, वहीं पर अगर न्यूमिनेटर में अगर प्लस का साइन आ जाता है तो उसको अलग अलग किया जा सकता है, क्लियर। अगला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। या मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड को 7x + 5/5, मैंने अलग अलग कर दिया 7x / 5 and 5/5। तो देखो, इसमें तो डिवाइड जा नहीं रहा, तो एज इट इज़ आ गया, 5 में 5 का डिवाइड दिया, कितना है 1। ये हमारी कौन आ जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो आंसर आया होगा किस हिसाब से आया होगा, यहाँ अगर प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता कट जाता, अंदर 7x आ जाता, बट यहाँ पर ऐसा गिवन नहीं है, तो इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा, 7x / 5 + 1, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।